Good evening everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Lakshmi Rani and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बी एड इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड स्पेलिंग एरर. तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. स्पेलिंग एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से रिलेटेड है. एग्जाम में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है. तो देखते हैं स्पेलिंग एरर आखिर क्यों लिया जाता है. और हाँ, लास्ट में हम इसे एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्पेलिंग एरर कितना सही है और कितना गलत है. तो चलिए, स्पेलिंग एरर ये इसलिए लिया जाता है ताकि आपका जो ये चेक किया जाता है कि रीडिंग हैबिट आपके कैंडिडेट का रीडिंग हैबिट कैसा है. इस वो प्रॉपर नॉलेज तो है उसे वर्ड का, या ग्रामेटिकल रूल तो जानता है वो इंग्लिश का, वोकैबुलरी तो अच्छा है. इसके लिए स्पेलिंग एरर का टेस्ट लिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है एग्ज़ाम में. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको वोकैबुलरी अच्छा करना होगा. विदाउट वोकैबुलरी आप कुछ नहीं कर सकते. आपका ग्रामर भी सही नहीं हो सकता है, ट्रांसलेशन भी सही नहीं कर सकते हैं, कोई एग्जाम में भी आप नहीं बैठ सकते उतने अच्छे तरीके से. और सबसे बड़ी बात कि आप स्पोकन इंग्लिश नहीं कर सकते, आप किसी से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं. तो आज हम बहुत सारे वर्ड का हिंदी मीनिंग समझेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका स्पेलिंग क्या है, ये हम जानेंगे. तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ए टू जेड कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पेलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ह्यूमरस, जजमेंट, कॉलेज, ये सब. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. तो पहला हमारा दे रहा है एब्सेंस. पहले हम ए से देख लेते हैं. तो ए से है एब्सेंस, एकोमोडेट, अचीव, अक्वायर, अक्रॉस, एड्रेस, एडवर्टाइज, एडवाइस, अपेरेंट, आर्ग्यूमेंट, एथलेट या ऑफुल. तो एब्सेंस का स्पेलिंग होता है ए बी एस ई एन सी ई. एब्सेंस का हिंदी मतलब होता है अनुपस्थिति. नेक्स्ट है अकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई. अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित. अचीव, ए सी एच आई ई वी ई. अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना. अक्वायर, ए सी क्यू यू आई आर ई. अक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण करना. अक्रॉस, ए सी आर ओ डबल एस. अक्रॉस का मतलब होता है आर पार. नेक्स्ट है एड्रेस. एड्रेस का मतलब होता है पता. ए डी डी आर ई एस एस, एड्रेस, पता. एडवर्टाइज, ए डी वी ई आर टी आई एस ई, एडवर्टाइज, विज्ञापित. एडवाइस, ए डी वी आई सी ई, एडवाइस, सलाह. अपेरेंट, ए पी पी ए आर ई एन टी, अपेरेंट, स्पष्ट. आर्ग्यूमेंट, ए आर जी यू एम ई एन टी, आर्ग्यूमेंट, तर्क. एथलीट, ए टी एच एल ई टी ई, एथलीट, खिलाड़ी. ऑफुल, ए डब्ल्यू एफ यू एल, ऑफुल, भयंकर. तो ए से इतना वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है. नेक्स्ट है बी से पढ़ेंगे. बैलेंस, बी ए एल ए एन सी ई. बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, जैसे कि बैलेंस बनाकर रखना. और एक होता है बैलेंस का मतलब शेष, जो हमारा अकाउंट का इतना शेष बैलेंस बचा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है बेसिकली, बी ए एस आई सी ए एल एल वाई. बेसिकली का मतलब होता है खास तौर पर या अधिकांश. बिगनिंग, बी ई जी आई एन एन आई एन जी, बिगनिंग, शुरुआत या शुरू से. बिलीव, बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव, विश्वास, भरोसा. बेनिफिट, बी ई एन ई एफ आई टी, बेनिफिट, लाभ. ब्रीथ, बी आर ई ए टी एच ई, ब्रीथ, सांस. ब्रिलियंट, बी आर आई एल एल आई ए एन टी, ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली. बिजनेस, बी यू एस आई एन ई एस एस, बिजनेस का मतलब होता है व्यापारी, व्यापार. नेक्स्ट है सी से, कैलेंडर, सी ए एल ई एन डी ए आर. बहुत लोग यहाँ कर देते हैं डी ई आर, लेकिन कैलेंडर डर ए लग रहा है ना, तो अ लग रहा है, तो सी ए एल ई एन डी ए आर, कैलेंडर. कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग. नेक्स्ट है कैटेगरी, सी ए टी ई जी ओ आर वाई. कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी. नेक्स्ट है सर्टेन, सी ई आर टी ए आई एन, सर्टेन, कुछ.
चीफ CHIEF चीफ अध्यक्ष सर्टेन फिर से दे रखा है जो ऊपर पढ़े और चीफ रिपीट कर दिया है. नेक्स्ट है सिटीजन CITIZEN सिटीजन का मतलब होता है नागरिक. कमिंग COMING कमिंग आगामी. कॉम्पिटिशन COMPETITION कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता या मुकाबला. कन्वीनियंस कन्वीनियंस CONVENIENCE कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा. क्रिटिसाइज CRITICISE क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना. डी से डिसाइड DECIDE डिसाइड निर्णय करना. डेफिनेट DEFINITE निश्चित. डिपॉजिट DEPOSIT डिपॉजिट जमा. डिस्क्राइब DESCRIBE डिस्क्राइब वर्णन करना. डेस्परेट DESPERATE बेकरार. डेवलप DEVELOP डेवलप विकसित करना. डिफरेंस DIFFERENCE डिफरेंस का मतलब होता है अंतर. डिलेमा DILEMMA दुविधा. डिसअपीयर DISAPPEAR डिसअपीयर गायब. डिसअपॉइंट DISAPPOINT निराश डिसअपॉइंट. नेक्स्ट है डिसिप्लिन DISCIPLINE डिसिप्लिन अनुशासन. अब हम देखेंगे ई से एम्बैरेस EMBARRASS एम्बैरेस शर्मिंदा करना. इन्वायरमेंट ENVIRONMENT इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण. इक्विप्ड EQUIPPED इक्विप्ड सुसज्जित. एग्जैजरेट EXAGGERATE अतिरंजना करना. एक्सीलेंट EXCELLENT श्रेष्ठ. एक्सेप्ट EXCEPT के अलावा. एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज व्यायाम. एग्जिस्टेंस EXISTENCE अस्तित्व. एक्सपेक्ट EXPECT अपेक्षा करना. एक हम अभी देखें एक्सेप्ट के अलावा एक्सपेक्ट अपेक्षा करना. एक्सपीरियंस EXPERIENCE एक्सपीरियंस अनुभव. एक्सपेरिमेंट EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट प्रयोग. एक्सप्लेनेशन EXPLANATION व्याख्या. अब हम देखेंगे एफ से फैमिलियर FAMILIAR फैमिलियर परिचित. फैशनेटिंग FASCIENATING मोहिनी. फाइनली FINALLY फाइनली आखिरकार. फॉरेन FOREIGN फॉरेन विदेशी. फॉरवर्ड FORWARD फॉरवर्ड आगे. फंडामेंटल FUNDAMENTAL फंडामेंटल मौलिक. ए टू एफ पढ़ चुके हैं. इसमें से आपका दो चीज हो जाएगा. एक तो आपको स्पेलिंग आपका सही हो जाएगा अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो. और दूसरा इसका इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग भी आपको याद हो जाएगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर. तो चलिए जी से देखते हैं. जी फॉर जनरली GENERALLY जनरली आम तौर पर. गवर्नमेंट गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट सरकार. ग्रामर GRAMMAR ग्रामर का मतलब व्याकरण. गारंटी GUARANTEE गारंटी का गारंटी. गाइडेंस GUIDANCE गाइडेंस दिशा निर्देश. एच से हैप्पीनेस HAPPINESS हैप्पीनेस खुशी. ह्यूमरस HUMORUS ह्यूमरस हास्यपूर्ण. आई से आई फॉर आइडेंटिटी
IDENTITY आइडेंटिटी पहचान, इमेजिनरी IMAGINARY इमेजिनरी काल्पनिक, इमिटेशन IMITATION इमिटेशन नकल, इमीडिएटली IMMEDIATELY इमीडिएटली तुरंत, इंसिडेंटली INCIDENTALY इंसिडेंटली संयोग से, इंडिपेंडेंट INDEPENDENT इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इंटेलिजेंट INTELLIGENT इंटेलिजेंट बुद्धिमान, इंटरेस्टिंग INTERESTING इंटरेस्टिंग रोचक, इंटरफेयर INTERFERE इंटरफेयर का मतलब होता है दखल या हस्तक्षेप करना, इंटरप्रिटेशन INTERPRETATION इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, व्याख्या या अर्थ। नेक्स्ट है इंटरप्शन INTERRUPTION इंटरप्शन बाधा, इनविटेशन INVITATION इनविटेशन निमंत्रण, इररिलेवेंट IRRELEVANT इररिलेवेंट व्यर्थ, इरिटेबल IRRITABLE इरिटेबल चिड़चिड़ा, आइसलैंड ISLANT आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप आइलैंड, इंटरप्रिटेशन का मतलब अर्थ होता है या व्याख्या। नेक्स्ट है जे, जे से जेलस और जजमेंट JEALOUS जेलस ईर्ष्यालु, जजमेंट JUDGEMENT जजमेंट निर्णय, के फॉर नॉलेज KNOWLEDGE ज्ञान, L फॉर लेबोरेटरी LABORATORY लेबोरेटरी प्रयोगशाला, लेंथ LENGTH लेंथ लंबाई या अवधि, लेशन LESSON लेशन पाठ, लाइब्रेरी LIBRARY लाइब्रेरी पुस्तकालय, लाइसेंस LICENSE लाइसेंस अनुज्ञा पत्र, लोनलीनेस LONELINESS लोनलीनेस अकेलापन, लूज LOSE खोना, लाइंग LYING झूठ बोलना, के फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे एम फॉर्म, एम फॉर्म मैरिज MARRIAGE शादी, ME मेडिसिन MEDICINE मेडिसिन दवा, मिनिएचर MINIATURE लघु, मिनट MINUTE मिनट, मिस्टीरियस MYSTERIOUS मिस्टीरियस रहस्यमयी। अब हम पढ़ेंगे एन से नेचुरली NATURALLY नेचुरली प्राकृतिक रूप से या इसे हम सहज रूप में कह सकते हैं, नेसेसरी NECESSARY नेसेसरी जरूरी, नेवर NEIGHBOR पड़ोसी, नाइदर NEITHER नाइदर ना, नोटिशियबल NOTICEABLE ध्यान देने योग्य। एन से खत्म हो गया, ए टू एन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ओ। ओ से ओकेजन OCCASION ओकेजन अवसर, अकर्ड OCCURRED अकर्ड घटित हुआ, ऑफिशियल OFFICIAL ऑफिशियल दफ्तर का, ऑफन OFTEN ऑफ्टन अक्सर, ओमिशन OMISSION ओमिशन चूक, ऑपरेट OPERATE ऑपरेट संचालित करना, ऑप्टिमिज्म OPTIMISM ऑप्टिमिज्म आशावाद, ओरिजिनल ORIGINAL ओरिजिनल मूल। पी से पैरेलल PARALLEL पैरेलल समानांतर,
पार्टिकुलरली विशेष रूप से PARTICULARLY पार्टिकुलरली विशेष रूप से, पेक्यूलर पेक्यूलर PECULIAR पेक्यूलर विशेष, परसीव PERCEIVE परसीव जानना, परफॉर्म PERFORM परफॉर्म प्रदर्शन, परमानेंट PERMANENT परमानेंट अस्थाई, परसिव्य PERSEVERE दृढ़ रहें, पर्सनली PERSONALLY पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, परस्यूड PERSUADE परस्यूड राजी करना, पिक्चर PICTURE पिक्चर मीन्स चित्र, पीस PIECE पीस टुकड़ा, प्लानिंग PLANNING प्लानिंग योजना, प्लेजेंट PLEASANT प्लेजेंट सुखद, पॉलिटिकल POLITICAL पॉलिटिकल राजनीतिक, पजल्स POSSESS पजल्स काबू करना, पॉसिबल POSSIBLE पॉसिबल, प्रैक्टिकल PRACTICAL प्रैक्टिकल व्यवहारिक, प्रेफर PREFER प्रेफर पसंद करना, प्रिजडिश PREJUDICE पक्षपात, प्रेजेंस PRESENCE प्रेजेंस उपस्थिति, प्रिविलेज PRIVILEGE विशेषाधिकार, प्रोबेबली PROBABLY संभावता, प्रोफेशनल PROFESSIONAL व्यवसाय, प्रॉमिस PROMISE प्रॉमिस वादा, साइकोलॉजी PSYCHOLOGY साइकोलॉजी हम पढ़ते स से है साइकोलॉजी लेकिन लिखते पी से हैं, इसका हिंदी होता है मनोविज्ञान, ओ से सॉरी क्यू से क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी मात्रा, क्वार्टर CUARTER क्वार्टर तिमाही, क्वाइट QUIET शांत, क्विट क्वेट QUIT क्वेट छोड़ना, क्वाइट QUITE बिल्कुल, देखते हैं आर से रियलाइज REALISE रियलाइज एहसास, रिसीव RECEIVE रिसीव प्राप्त करना, रिकॉग्नाइज RECOGNISE रिकॉग्नाइज पहचानना, रिकमेंड RECOMMEND अनुशंसा करना, रेफरेंस REFERENCE रेफरेंस द्वारा संदर्भ, रिलीजियस RELIGIOUS रिलीजियस धार्मिक, रिपीटेशन REPETITION रिपीटेशन दोहराव, रेस्टोरेंट RESTAURANT रेस्टोरेंट भोजनालय, रिदम RHYTHM रिदम ताल, रेडिक्युलस RIDICULOUS रेडिक्युलस भद्दा, एस से सैक्रिफाइस SACRIFICE सैक्रिफाइस त्याग करना, सेफ्टी SAFETY सेफ्टी सुरक्षा, सीजर्स SCISSORS कैंची, सेक्रेटरी सेक्रेटरी SECRETARY सेक्रेटरी सचिव, सेपरेट SEPARATE सेपरेट अलग, साइनिंग SHINNING साइनिंग चमकता हुआ, सिमिलियर SIMILAR सिमिलियर एक जैसा, सिंसियरली SINCERELY सिंसियरली ईमानदारी से, सोल्जर SOLDIER सोल्जर सैनिक, स्पीच SPEECH स्पीच भाषण, स्टॉपिंग STOPPING रोकना, स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ ताकत, स्टडिंग STUDYING पढ़ाई करना पढ़ना, सक्सीड SUCCEED सक्सीड सफल होने के होना,
सक्सेसफुल SUCCESSFUL सक्सेसफुल सफल स्योरली SURELY स्योरली निश्चित रूप से सरप्राइज SURPRISE सरप्राइज स्तंभित करना या आश्चर्य टी से टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर ताप टेम्पररी TEMPORARY टेम्पररी अस्थाई थ्रो THROUGH के माध्यम से टुवार्ड्स TOWARDS टुवार्ड्स की ओर ट्राइज TRIES कोशिश करता ट्रूली TRULY सच ट्वेल्थ TWELFTH ट्वेल्थ बारहवीं यू फॉर यू से अंटिल UNTIL अंटिल जब तक अनयूजुअल असामान्य UNUSUAL अनयूजुअल यूजुअली USUALLY यूजुअली प्राय या आम तौर पर वी से विलेज VILLAGE विलेज मीन्स गाँव लास्ट है W से वियर्ड WEIRD वियर्ड अजीब वेलकम WELCOME वेलकम स्वागत वेदर यहाँ दे रहा है वेदर WHETHER इसका मतलब होता है या और एक और वेदर होता है WEATHER मतलब होता है मौसम तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स ए टू W हम लोग इसमें पढ़े हैं इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में रहने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है तो इसे अच्छे से पढ़िएगा और फ़ायदा इसमें यह है कि इसका वर्ड प्लस हिंदी मीनिंग बतलाई हूँ तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए तो आज का प्रैक्टिस सेट करते हैं जिसमें हम 1 to 10 क्वेश्चन दे रखे हैं तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है फर्स्ट दे रहा है कि इसमें से आपको गलत वर्ड सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैंसिलेशन अब इसमें बताइए कौन सा स्पेलिंग कैंसिलेशन का सही होगा कैंसिलेशन CANCELLATION तो इसका आंसर नंबर सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसचीवियस इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है तो MISCHIEVOUS मिसचीवियस टू का सी थर्ड है फॉरेनर तो इसका आंसर तो सबको पता होगा फॉरेनर FOREIGNER फॉरेनर नेक्स्ट है फोर्थ एक्सहिलरेट EXHILARATE फोर का बी फिफ्थ इमिटेबल इनिमिटेबल INIMITABLE नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है स्केलेटन SKELETON स्केलेटन सिक्स का डी सेवेंथ का क्या दे रहा है कोलेबोरेट कॉर्बोरेट कोऑपरेट कोलोकेट तो इसमें आपका होना चाहिए कॉपरेट कोऑपरेट COOPERATE ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है एट का स्क्रिप्चर तो इसमें आंसर सही है CSCRIPTURE नाइन्थ नंबर है कमिटी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में ना MMEE होता है तो COMMITTEE कमिटी 9 का बी एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑब्सेशन OBSESSION तो ये रहा आज का प्रैक्टिस शीट विथ टॉपिक तो आई होप आप सभी इसे अच्छे से याद कीजिएगा और पढ़िएगा एंड एग्जाम में मार्क्स भी लाइएगा सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर Good night.